जरा देखो तो इसे लुक्रेजिया, ये क्या कर रहे हो बर्न? हाँ, कोई मनुष्य वाली घटिया खेल खेल रहे हो? भलैया कर भी कह सकता है बॉर्जिया, ये मामूली मानव ही तो है। जरा मैं भी तो देखूं। ये मेरी गेम है, ये मुझे वापस दो, सफल कर नाजुक पर कहीं टूट ना जाए। ये कंप्यूटर गेम है, वो भी जादूगरों के बारे में है। मनुष्य वाली बात, खेल के जादूगर को हरा रहे हो क्योंकि तुमसे असली जादूगर का सामना करने की हिम्मत नहीं है। कितनी शर्म की बात है। ओ अच्छा, तो तुम दोनों ये जानो कि ये गेम मैंने अपनी शक्तियों से बनाई है। पकड़ लिया। तुमने ये जानबूझ कर किया? हाँ मैंने किया। अगर बॉर्जिया हमारे टेनिस कोर्ट की ऊंचाई तक नहीं आई होती तो उसके सर पर ये कद्दू नहीं फूटता। अरे हाँ, हमें लगा ये दूसरा कद्दू कहाँ से आ गया। मैं मिस क्रिस्टल गेजर से तुम्हारी शिकायत करूंगी, देखना वो तुम्हारे स्कूटर हमेशा के लिए गुल कर देंगी। अरे अब इतना नाराज होने की भी जरूरत नहीं है, तुम इस कद्दू का स्वाद चख ही लो। इस कमरे में भागना मना है। और बॉर्जिया, नहाने वाला मंत्र बोलो, ये क्या तुम्हारे सर पर कद्दू लगा है? पर मिस क्रिस्टी गेजर कैसेंड्रा और गजने वो। अब जाओ यहाँ से लुक्रेजिया, तुम्हें पता है कल तुम दोनों का रूप बदलने वाला इम्तिहान है, जानती हो ना? बच्चों लाइट बंद होने वाली है, अब तुम सब अपने कमरों में जाओ जल्दी से। जी मिस क्रिस्टल गेजर। उन दो बहनों को देखकर मुझे इतना गुस्सा आता है जैसे कि ग्रिमवीड पर। ये ग्रिमवीड कौन है? मैंने पहले कभी इस जादूगर का नाम नहीं सुना। मेरे गेम के जादूगर का नाम है वन। तुम्हें सबके सामने ये मनुष्य वाली गेम नहीं खेलनी चाहिए, तुम्हें बेकार की मुसीबत मोल लेते हो ना। तुम लुक्रेजिया और बॉर्जिया को अपनी शक्तियों के बारे में बताने ही वाले थे, उसके बाद यू बोथ के बारे में बताओगे? मुझे माफ करना, मुझे पता है कि अपनी सफर वाली बात को राज ही रखना है, पर वो दोनों बहनें मुझे वाकई में बहुत गुस्सा दिलाती है। मैंने इस गेम को बनाने में इतनी मेहनत की और उन्होंने अरे अब इसे क्या हो गया? क्यों, क्या ये पहले की तरह ठीक नहीं चल रही? शायद ये बॉर्जिया के हाथ से गिरकर टूट गई। नहीं नहीं, जब मैंने देखा था तब तो ये ठीक चल रही थी। शायद बॉर्जिया और लुक्रेजिया ने जादू से खराब कर दी होगी। उनके पास इतना वक्त नहीं, वैसे भी इस गेम को खराब करना उनके बस की बात नहीं। ये टूट गई होगी। नहीं ये टूटी नहीं है, अगर ये टूटी होती तो बिल्कुल बंद हो जाती, ऐसे टेढ़े मेरे मुँह बनाकर मुझे चिढ़ाती नहीं। अच्छा बाबा तुम सही हो, आखिर ये मनुष्यों की गेम है। कल सुबह क्लास में मिलेंगे। मिस क्रिस्टल गेजर सही थी, हमें जल्दी से सो जाना चाहिए, कल हमारा इम्तिहान जो है। जब तक पता न चले कि गेम को क्या हुआ मुझे नींद नहीं आने वाली। अरे यही तो मुसीबत है मनुष्यों की चीजों में, ये जादुई चीजों की तरह टिकाऊ नहीं होती। चलो मैं मम्मी डैडी को ईमेल करता हूँ, मेरा बर्थडे भी आने वाला है, शायद वो लोग मुझे नया कंप्यूटर गेम ला दे। मुझे लगता है तुम्हें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए वॉन, यहाँ कोई भी ईमेल का इस्तेमाल नहीं करता है। सबकी तरह तुम भी बॉनी ड्रैगन के जरिए खत क्यों नहीं भेजते? तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हारा कोई भी काम पूरा नहीं होने दूंगा। ये क्या हो रहा है, ये मेरे किसी कमांड का जवाब क्यों नहीं दे रहा? चाहे जितनी कोशिश करो काम नहीं होगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा, अब मेरा कंप्यूटर भी खराब हो गया है। अरे अब छोड़ो ना इन मनुष्यों की बेकार चीजों को और जल्दी से सो जाओ, वरना मुझे तुम्हें जबरदस्ती कोई जादुई नुस्खा पिलाकर सुलाना पड़ेगा। पर यकीन मानो ये सब बहुत ही अजीब है, मेरी गेम और मेरा कंप्यूटर एक ही दिन और एक ही तरीके से खराब हो गए हैं, क्या ये अजीब नहीं है? अरे बाप रे, अब मेरा कैलकुलेटर भी खराब हो गया है। बहुत हो गया, दो बार इत्तेफाक हो सकता है पर तीन बार? मेरी बात मानो गस, कोई चीज जरूर इलेक्ट्रॉनिक्स पर हमला कर रही। गस, तुम यकीन मानो कहीं कुछ गड़बड़ है, वरना मेरी सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजें एक ही दिन में कैसे खराब हो गई? आज की ताज़ा खबर बॉन, तुम बहुत फिक्र करते हो। वैसे भी एक जादूगर को इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। बात ये नहीं है, लेकिन कहीं तो। गुड मॉर्निंग बच्चों, अपने पंख को डेस्क पर रखो और अपनी जादुई छड़ी तैयार करो,
आज आपको बहुत आसान काम करना है। आपको इस पंख को फूल में बदलना है। सबसे अच्छा रंग और ज्यादा पंखुड़ियों वाले फूल को ज्यादा नंबर मिलेंगे। शुरू करो। आज केसी और उन दो लल्लुओं को दिखा देंगे कि असली जादूगर क्या कमाल कर सकते हैं। पंख को जल्दी से फूल में बदल दो। बचाओ! अरे कैसी बहुत बचाओ! बस कोई फायदा नहीं है, ये तुम्हें नहीं छोड़ेगा। बचाओ कैसी, ये दानव तो मुझे कच्चा चबा जाएगा। ऐसा खतरनाक पौधा बनाने के लिए मुझे स्कूल से निकाल देंगे। घबराओ नहीं गज, तुम्हें निकालने के लिए कोई जिंदा ही नहीं बचेगा। मुझे चीजों का रूप बदलने वाली क्लास कभी अच्छी नहीं लगती। कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरे मंत्रों का असर क्यों नहीं हुआ? मेरी जादुई छड़ी को आखिर हो क्या गया है? बिल्कुल सही, कल रात मेरी चीजें भी कुछ ऐसा ही कर रही थी। ये सब अजीब है, जादुई दुनिया से भी अजीब। तुम्हें लगता है इसके पीछे जारलक है? हो सकता है, पर एक कंप्यूटर का हमारी जादुई छड़ी से क्या लेना देना? ये तो सीधा साधा तर्क है। सीधा साधा तर्क का क्या मतलब है युवक? अपनी बात ठीक से समझाओ। वो दोनों एक ही तरह से काम करते हैं, तुम्हारे हुक्म मानकर तुम्हें तुम्हारे काम का सही अंजाम देते हैं। तुम्हारी चीजों से तर्क खत्म किया जा रहा है। कंप्यूटर और जादू के बगैर ये दुनिया बहुत जल्द पूरी तरह से बेबस और बर्बाद हो जाएगी। तो सफर पर कौन चलेगा? मुझे डर था तुम यही कहोगी। हिम्मत से काम लो वन, क्या तुम अपनी गेम खत्म नहीं करना चाहते? इस जगह का नाम है लॉजिकस नल। ये सभी तर्कों का केंद्र है बच्चों। ये रोशनी की गेंद क्या है? यही तो तर्क है जिसे दुनिया से खींचकर यहाँ लाया जा रहा है। तब तो वो बड़ी सी रोशनी वो जगह होगी जहाँ जहरला तर्क को कैद कर रहा है। हम वहाँ तक कैसे पहुँचे और अपनी जादुई छड़ियों के बगैर हम तर्क को कैसे आजाद करें? मैं ना तो कंप्यूटर हूँ ना ही जवाबों की किताब। तुम हमारी मदद नहीं करोगे? तब तो हमें सीधे ही नीचे उतरना होगा। दोस्तों भूल गए, मुझे ऊंचाई से डर लगता है। दोस्तों
मेरा बस चले तो मैं दूसरे स्कूल में भर्ती हो जाऊँ। अब क्या करें? बुरे फंसे। मैं चली। मुझे डर लगता है। वान तुम नीचे मत देखो। बाल बच गया। दोस्तों क्या हम पहुंच गए? अरे ये क्या, पहले हम उस रोशनी के करीब थे पर अब तो दूर हो गए। हाँ बिल्कुल, हमें समझना चाहिए था इस जगह पर उल्टा तर्क चलता है। यहाँ सही तर्क से काम नहीं होगा जैसे कि हमारी दुनिया में होता है। जानते हो अगर हमें उस रोशनी तक नीचे पहुंचना है तो ऊपर चढ़ना होगा। मुझे लगता है इस दुनिया में आकर तुम्हारा दिमाग भी कुछ उल्टा हो गया है वन। बिल्कुल सही कहा वन। ठीक है तो ऊपर चढ़ते हैं। हाँ मेरी अभी भी समझ में नहीं आ रहा। तुम सही थे वन, ऊपर चढ़ने से हम रोशनी के करीब पहुँच गए। ये उल्टा तर्क भी अपने आप में सही है। एक बात कहूँ, ये सीढ़ियाँ मुझे सीढ़ियों जैसी क्यों नहीं लग रही? हाँ और ये सांस ले रही है। मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। किसने लॉजिक स्नल की दुनिया में आने की जुर्रत की है? हम तीनों शक्तिशाली जादूगर मनुष्यों की दुनिया से आए हैं, समझे? मैं सरपेंटेनियम हूँ, मैं महान जादूगर जावले की इस दुनिया का पहरेदार हूँ। बहुत अच्छे। तुम्हारे यहाँ तक पहुँचने की दाद देता हूँ। इस लॉजिकल स्नल के उल्टे तर्क को समझना सभी जादूगरों के बस की बात नहीं है। ऐसा क्या, हमें यहाँ तक लाने का शुक्रिया। तुम इससे आगे नहीं जा सकते। काम पूरा करने का बस एक ही रास्ता है। ये सही रास्ता दिखा रहा है। मेरे मन खराब गए हैं, मेरी सारी जानकारी खराब हो गई है। इस दुनिया में मुझसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। अब मैं बेकार बातें ही करूंगा। तुम बैठे तुम बैठे तुम जगह मैं बैठे जहीं के बाजार घूम रहा था भाई। अब आ जाइयो जो तू बोल जो। लगता है वो चाहता है कि हम उसके तर्क के पीछे जाएं। बचने का बस यही एक मौका है। क्या मेरा तुम दोनों के साथ आना इतना जरूरी है? Thank you.
लोगों को अपने वश में करने वाला जादू। फिर तो हमें उसे तोड़ना होगा। मैं इस वशीकरण के घेरे को अपने मंत्रों से तोड़ सकती थी, काश लेकिन मेरी जादुई छड़ी साथ देती। हाँ, पर आज जो कुछ भी स्कूल में हुआ उसके बाद इसका इस्तेमाल ना ही करे तो अच्छा होगा। हाँ, अभी भी हमारी दुनिया से तर खींचा जा रहा है। मेरे गेम में जादूगर को हराने के लिए मुझे तूफान के बीचों बीच क्रिस्टल को पकड़ना था। क्यों ना हम तुम्हारी जादुई छड़ी के लिए तर्क चुरा ले। हाँ, सारा काम सही समय पर हो जाना चाहिए। किसी को उस सांप का ध्यान दूसरी ओर खींचना होगा। ओ, मैं ही ऐसी तरकीबें क्यों सोचता हूँ। यहाँ देखो मैं हूँ, इधर देखो। तुमने दोबारा मेरे सामने आने की हिम्मत कैसे की? मैं बहुत बेवकूफ हूँ ना। इस बार मेरा वार नहीं चुकने वाला। मैं जानता हूँ आप बहुत काबिल हैं। कैसी, जल्दी करो, कर रही हूँ वार। मिल गया। तुम्हारा जादू यहाँ तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा। हमेशा के लिए उसे जकड़ नहीं सकते तुम। तोड़ दो बंधन। मेरी छड़ी अभी भी काम नहीं कर रही है। कैसी, मत भूलो हम कहाँ हैं। यह सब कुछ गुंडा है। सुनो मेरी शक्तियों, घेरे को बना दो ताकतवर। तुम बांध लो तर को, जकड़ लो उसे तुम। अब आया ना असली मजा। कैसी, तुमने क्या दिखाया? देखो तर्क दुनिया में वापस जा रहा है। नहीं, तुम सामने की रातों पर पानी नहीं फेर सकते। यू बोस, चलो यहाँ से। पहले जैसा बनाने के लिए मुझे पहला नंबर मिलना चाहिए। बहुत अच्छे, अब मैं उस जादूगर को एक पल में हरा दूंगा। मुझे अभी लगता है कि ये मनुष्य वाली गेम कुछ बेकार है। फिर भी तुम मुझे ये खेलना सिखा दो तो अच्छा रहेगा।